नल जल योजना फैल, शहर से छठे इलाकों में पानी की किल्लत। विधायक मंत्री और सरकार की उपेक्षा का शिकार। जिला परिषद सदस्य चिंता देवी की वादों की बोछा। ग्रामीण दूषित जल पीने को मजबूर, कई चापानल हो चुके हैं खराब। देश आजादी का 75 वर्ष और झारखंड राज्य का 22 वर्ष होने के बाद भी दुमका प्रखंड के बेहरा बांग पंचायत के हरिजनटोला में वार्ड 10-12 में पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत सुविधाओं से वंचित। दुमका सदर प्रखंड के दुमका बेहरा बांग पंचायत के अंतर्गत हरिजनटोला वार्ड 10-12 में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। यह गाँव शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। शहर से इसकी दूरी 4 किलोमीटर है और बगल के कुरवा पहाड़ से पूरे शहर की प्यास बुझाई जाती है, लेकिन 150 से अधिक घरों वाला यह गाँव आज भी प्यासा है। देश आजादी का 75 वर्ष और झारखंड राज्य का 22 वर्ष होने के बाद भी इस गांव में बिजली, पानी और सड़क का मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मोदी जी के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना भी फेल। इस गांव में पीने का पानी के लिए सभी चापाकल खराब हो चुके हैं। ग्रामीण डोबा, झरना, जर्जर कुआं का प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश है, जिस कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी पीने का पानी लाने के लिए 2-3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार से पानी का समस्या का समाधान के लिए डीप बोरिंग का मांग किया। इससे पूर्व विधायक बसंत सोरेन, जिला परिषद सदस्य चिंता देवी, मुखिया आदि को इससे अवगत करा चुके हैं, लेकिन सभी केवल आश्वासन देते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर न हुआ तो इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। विधायक बसंत सोरेन, हाय हाय। 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 जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। तमाम वो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन किसी चीज़ के लिए नहीं, बस अपनी प्यास बुझाने के लिए, लंबी कतार पानी की प्यास बुझाने के लिए, पानी लेने के लिए बेहरा बांग पंचायत के लोग लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचे हैं स्कूल और यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं। तमाम वो जनप्रतिनिधि आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ गंगा बहाएंगे, लेकिन ना आज तक गंगा बहा पाया है और ना यहाँ के लोगों की पानी की समस्या दूर हो पाई है। तमाम वो लोग आ रहे हैं, लगभग 2 घंटा 1 घंटा पहले ही आते हैं पानी लेने के लिए और लगते हैं लाइन पे, फिर पानी लेकर चले जाते हैं। ऐसे में उन लोगों का जो पूरा दिन भर का जो समय है वो पानी लाने और ले जाने में लग जाता है। तमाम वो यहाँ पे पहले जिला परिषद भी बनी, उन्होंने भी वादा किया कि चापाकल देंगे, लेकिन उन्होंने भी चापाकल नहीं दिया। विधायक जी तो बस एक बार वोट लिया और चले गए, और मुखिया और बाकी जनप्रतिनिधियों की तो बात ही कुछ अलग है। तमाम लोग यहाँ पानी ले रहे हैं, आइए उन लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या और क्यों इस तरह का समस्या का उन लोगों को अभी तक समस्या का जो है वो निजात नहीं पा पा रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं पानी लेने के लिए? आप कितना दूर है यहाँ आपका घर यहाँ से? बहुत दूर से कता फेरी छन। कते दूर हो तो यहाँ से? कते दूर होता तो से दूर तो ज्यादा खन न कता दूर 2 किलोमीटर ना। हां तो वहां चापाकल ना हो? ना, खराब हो गला सब चापाकल खराब हो। यहां पानी लेने के लिए आते तो कितना देर पहले लेने आना पड़ता है? क्या नाम है? सुमन कुमारी। कहां पर घर है आपका? दुर्गा मंदिर के पास, बेहरा बांग में। कितना यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं? चापाकल नहीं है वहाँ? नहीं, खराब हो गया। कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर रोज 2 किलोमीटर आते हैं पानी लेने के लिए? हाँ। कितना देर पहले आना पड़ता है पानी लेने? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले। घर में यदि कोई मेहमान सब आ जाए तब क्या होता है? उसे बैठी रहता है, उसे ही रहता है, क्या करेंगे हम लोग? कोई आया नहीं कभी चापाकल ठीक करवाने के लिए? नहीं नहीं। क्या बोल, की नाम हो? मालती देवी। कते दूर से आ रही? 1 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर? बाप, रोजाना आई? रोज ही आई। कितना दिन से पानी चापाकल खराब हो? बछर दिन से। बछर? एक साल। कोई देखने वाला नहीं? नहीं, बुढ़ा लोग क्या देखते, ऐसे करे ही होता। ककरो 5 टका 10 टका देवी, एक बाल्टी पानी लेके देते, हमारे कोई नहीं अच्छा क्या लेके देते? कोई लेके नहीं। तब कते देर लागो यहाँ से पानी ले जाने? पानी 1 घंटा टाइम लगो, यहाँ लाइन हो वही हो तब तो पानी पावे ही हो। और लाइन लगा? हाँ। कते बड़ो लाइन लगो? कते बड़ो है सड़कवा से कल तक? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। घर जब मेहमान आ भी जाओ तो की पिलाई? पियासे रहो, की करबो, लगबो पानी यहाँ तब ने पियाबो। आपको वीडियो सीओ आबो तो ओकरा पानी पिलाओ है कि नहीं? कहीं नहीं पिया, कोई नहीं वीडियो तीडियो कोई नहीं, वोट लिया रखकर मुँह नहीं देखे पावे। विधायक उदायक ना आबो? ना
जिला परिषद कोई जो नहीं। मुखिया कुछ नहीं। क्या नाम हो? गरिया देवी। आप कहाँ घर हो आपका? बेरा भंगना। कितना दूर है यहाँ से पानी लाने के लिए जाते हैं जो? 1 किलोमीटर। रोजाना आते हैं पानी लेने? हाँ। क्या वो वहाँ का चापाकल क्या स्थिति है? खराब हो गया है 1 साल भर से। साल भर से कोई देखने के लिए नहीं आता है? नहीं। कितना देर पहले लगते हैं पानी लेने के लिए? 1 घंटा। 1 घंटा लाइन लगने पड़ता। सुमित्रा देवी। कहाँ घर? बहरावा। तो वहीं आवे हैं दुर्गा मंदिर पास से? 1 किलोमीटर हो यहाँ से? 1 किलोमीटर। कते दिन से चापाकल खराब हुआ? साल भर। साल भर से। यहाँ पानी आने नहीं ले आने नहीं? हाँ। और की दिक्कत हो? दिक्कत पानी नहीं गई सिया तो ना तो डराया सिया तब ना है दिक्कत हो इसे नहीं पानी भी नहीं आरो पीयर पानी भी नहीं नहीं बसता नहीं बसते कहाँ जाएं? कहाँ जाओ बाबा पोखरा कहाँ बाबा कुआं खा दे रिंग रोड रहा पोखर चौथ ना तो जाल हो इसे पता ना तो जाओ ना तो जाए सिया बोलिए क्या दिक्कत है आप लोग को? बड़ा बड़ा डेक्ची डिब्बा लेके आ गए हैं। पानी नहीं है क्या दिक्कत होगा? पानी नहीं है हमारा। क्या मुखिया लोग नहीं सुनता यहाँ? नहीं सुनता कोई नहीं आता। विधायक कभी आया है? नहीं आया है। जिला परिषद कोई नहीं आया कोई नहीं देने के समय आता है? हाँ रोज आते हैं घर में घुसते हैं। क्या बोलो पानी आनेंगे सब व्यवस्था दे देंगे यही बोलता है क्या बोलेगा? क्या बोले गंगा बहाएंगे क्या बोल देवी बोला गंगा बहेंगे अभी गंगा नहीं गंगा की चपा कलो नहीं कुआं में पानी नहीं है। जीत के गई है तो आई है? नहीं एको बेर नहीं है। के लिए सब आता है और पानी देने के लिए कोई नहीं मुखिया भी नहीं पानी लगता है इतना दूर से लगता है। कुआं दो दो ठो कुआं है वो भी सूख गया है। कल इतना दूर में है कल में इतना भीड़ है 2 घंटा 3 घंटा यहाँ बैठेंगे तब पानी लेके घर जाएंगे तो क्या होगा हम लोग का समस्या? बच्चा बुतरू स्कूल जाता है टाइम पर निकलता है कैसे निकलेगा यही सब समस्या है। क्या है? कौन क्लास में? 6। तो यहाँ से पानी ले जाने के लिए कितना बजे आना पड़ता है तुमको? हम लोग को शाम को आने पड़ता है 4 बजे। 4 बजे? हाँ। फिर लेके जाती है पानी? हाँ। और सुबह भी पानी लेके जाना पड़ता है? सुबह स्कूल जाते हैं। सुबह स्कूल जाती है। क्या नाम बाबू? गायत्री कुमारी। भक्तिपद दास। ये जो जल मीनार है कब बना है ये जल मीनार? ये जल मीनार हो गया 1.5 साल। 1.5 साल थाली में छुप चुका है चापाकल कभी चालू हुआ कि नहीं? ये चालू एक बार खराब जब बना ना तब खराब हुआ। फिर हम जब 181 चालू था तो उसमें फ़ोन करके हमें नया ही लगवाए हैं। लगवाने के बाद जो फिर यहाँ फिर जो खराब हुआ तो हमने छोड़ दिया तो गांव के हिसाब से हमने छोड़ दिया। अभी कितने से बंद है? अभी 1.5 साल से बंद है। 1.5 साल से बंद। हाँ तो गाँव के लोग पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं? लोग वही स्कूल वहाँ पर जो है डम्पोड़ा के पास। हाँ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। मेरा नाम अजय दास। अच्छा ये बताइए ये जल मीनार कितने दिन पहले बना है? ये लगभग 1.5 साल पहले बना। हाँ तो चालू कभी हुआ देखें इसको चालू होते हुए? हाँ कुछ दिन रहा था चालू उसके बाद जो का तो पड़ा हुआ है ना इसमें झाड़ी में ढक चुका है। हाँ। चापाकल भी नजर नहीं आ रहा क्यों? हाँ, ऐसा हो गया? कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। और मतलब जल मीनार खराब है कि चापाकल खराब है? इसका दोनों खराब है। तो दोनों खराब। समस्या तो बहुत होगा पीने का। हाँ पीने का है तो लोग को देखते हैं कितना दूर जाता है पानी। क्या नाम है? अंजू देवी। आपका घर तो किस जगह हुआ? एकदम आगे हॉरिजॉन्टल बेराबंग पंचायत। हाँ। क्या दिक्कत है वहाँ पर? कॉल का दिक्कत है लाइन का दिक्कत है सब चीज का दिक्कत है अथी ग्रुप का दिक्कत है। पैसा जो किसान में मिल रहा था हम लोग को 2019 में मिला 2 बार करके बंद हो गया पैसा भी किसान का तो किस तरह चलेगा? तो पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं आप? पानी वाले बहुत दूर उधर जाते हैं हम लोग पानी लाने। रिंग रोड है उधर नहाने जाते हैं एकदम। विधायक लोग जीत के गया कभी आया कि नहीं? मुखिया जी कोई नहीं आया है। कोई नहीं जीतला के बाद कोई नहीं कोई भी नहीं जीतने के बाद कोई नहीं आया अभी। कितना साल से पानी का समस्या है यहाँ? बहुत दिन पोखरा भी सूखता है कल भी सूखता है कुआं भी सूखता है वही रिंग रोड तरफ पोखरा साइड में। पीने का पानी? पीने का पानी वही दुआर पर है ढकच ढकच कल करते हैं कभी खराब होता है कभी बढ़िया होता है। चपा कल खराब है के ठीक करवाता है? चपा को कोई नहीं पैसा उठा के खराब हो अपना से खर्चा करता है हर कौन सब चैन पे नहीं है पे नहीं नहीं आ किसान वाला पैसा एको बेर हमरा लीक के 3 मेर दिया एको मेरे आता नहीं। क्या नाम? मीना देवी। ओको बार नहीं मिल रहा छा पानी लाने के लिए कहाँ जाते हैं? एकदम वहाँ पोखरा भागी पैसा हमको नहीं रुके किसान वाला पैसा मिलबे नहीं कर रहा गरीब के हमको यहाँ बेड़ा बना कुछ मिलबे नहीं कर रहा
पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं, कोटा में कहीं नहीं उठता है, ये महीना को वो महीना क्या बात है उसमें? सरकार सरकार देता है तो बांटने का क्या लगता है उसका? क्या बोलता है डीलर? हैं, कौन उसका बांटने का हुक्म है? कहीं नहीं पड़ता है वो लोग? हैं, क्या ऐसा समस्या है? ये महीना को महीना ही मेरा कौन घोषित कौन पैसा बोला? सरस्वती देवी, क्या दिक्कत है आप लोग को? चापाकल को पानी के लिए कितना दिन से चापाकल? एक साल। कहाँ जाते हैं पानी लाने के लिए? वो दूटा है जय, दूटा है तो दूर में है, तो इतना बड़ा टोला है तो दूगो चापाकल कहाँ होगा? को आया कि नहीं कभी देखने के लिए कि चापाकल जरूरत है? नहीं, वोट लेने के लिए आता है, उसके बाद नहीं आता है? क्या दिक्कत है आप लोग को? पानी का दिक्कत है, हम लोग को पानी का चापाकल चाहिए, जल मिनार चाहिए। वोट के समय में कैसे बोल रहा है कि हाँ इंदिरा आवास देंगे, चापाकल देंगे, जल मिनार देंगे, अभी कहाँ गया? 12 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं हरजन टला में करके, जिला परिषद मुखिया साहब अभी कहाँ गया? पंचायत साहब, अरे जीतने के बाद जिला परिषद कभी आई है कि नहीं? नहीं, आप विधायक जी? कोई नहीं आया देखने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं? वोट नहीं ले आते हैं। 12 बजे रात तक बैठता है? 12 बजे लेकर बैठते हैं। हाँ, तुम लोग हमको जिताइए, जल मिलान देंगे, चपा कर देंगे, आवाज देंगे, इंदिरा आवाज देंगे, कुछ नहीं हम लोग को मिला हरजन टला में। आके देखिए, हमारे माटी वाला मिट्टी वाला घर छो, जखनी हमारे को घरे नहीं छो, जखनी देवे ने कर लो, सब कुछ नहीं, सब कुछ दलो छी हमरा, जखनी हो देवे ने कर लो छी हमरा को, जखनी वोट लिए एक समय आता, जखनी हमारे चापाकल बछर दिन से हमरा भूखे मरे छी, जखनी ये बताइए संदीप जी, कुआं में पानी नहीं है और ये गंदा पानी, यही पानी पीते हैं क्या आप लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग का? हम लोग को पीना बदनसीबी है। देखिए दुमका, हमारे दुमका विधानसभा जो विधायक हैं यहाँ उपचुनाव में जो जीते हैं, वादा तो बहुत किए लेकिन अभी तक देखने नहीं, ये नतीजा है, सामने देख सकते हैं। कैसे पीते पानी इसको? इसको छानना पड़ता है, ये धागा है ना गमछा, इससे हम लोग छानते हैं। ये स्थिति है हर दिन, रोज दिन का, अभी तक, अभी ये जुलाई अगस्त होने वाला है, ये हाल है अभी। कुआं का तो सूखा हुआ पानी, इसमें तो 10 बाल्टी पानी निकालते हैं तो सूख जाता फिर इंतजार करते हैं हम लोग, फिर उसको जमा होने देते हैं। इस लाइन बाय लाइन सिस्टम, ये घर के लेके गया, 5 घर इधर से, 5 घर चैप्टर टू चैप्टर हम लोग बांटते हैं पानी। बीमार नहीं पड़ जाते हैं पानी पीने में? बीमार होता है, क्या करें, उबाल के बहुत आदमी है कि उसको बताते हैं हम लोग कि ऐसा उबाल के पानी पीना है, ऐसा करना है, और बीमार होने पर फिर हॉस्पिटल लेके भी जाते हैं। अभी 2-4 आदमी यहाँ का हॉस्पिटल में भी मिलेगा जरूर। कहाँ से लेकर आ रहे हैं पानी? बहुत दूर से लेकर आ रहे हैं। चापाकल आपका गांव में ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, ये वो ठीक है तो 4 को खराब है, क्या करेंगे, बहुत दूर से लाते हैं। कितना देर लगता है लेने में पानी? वहाँ लगता है 10 मिनट लगता है, एक तो डेगची भरते हैं, एक डेगची भरने में 10 मिनट लग जाता है। हाँ, वो भी डंडा पूरा हिलिंग बिजिंग करता है, भारी लगता है। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या दिक्कत है? चापाकल देखा सब खराब है, कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? बहुत दूर से पानी लाते हैं हम लोग, कुरवा पहाड़ से कभी पानी लाते हैं। कितना दूर है कुरवा पहाड़ यहाँ से? कम से कम 2 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नहीं? ये जो जीत के गया विधायक, जिला परिषद मुखिया, कभी आता है? नहीं आता। कभी बताए ना कि हम लोग पीते हैं पानी, बहुत दिक्कत होता है, कैसे हो? बताए हैं, सब कुछ बताए हैं लेकिन सुनता ही नहीं। क्या बोलता है वो लोग? लोग बोलता है हाँ आ जाएगा पानी, अभी पाइप बीच रहा है। इसका हैंडल कहाँ चला गया? इसका हैंडल कौन लेके चला गया पता नहीं। सभी चापाकल खराब देख रहे हैं, जल मीनार नहीं है कोई यहाँ? नहीं, एको नहीं है, देख लीजिए। एक भी नहीं। क्या नाम बताएं अपना? जीता देवी। कहाँ घर वो? बहराबंग। कौन कहाँ टोला? टोला हम लोग हरिजन टोला। ये कुआं बहराबंग पंचायत में ये कुआं है जो वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 11 में स्थित है, और इस कुआं का जो पानी है वो काफ़ी दूषित है, और 2-4-10 बाल्टी पानी निकालने के बाद ही इस कुआं का पानी जो है सूख जाता है। फिर लोग इंतज़ार देखते हैं कि कुआं में किसी तरह पानी आएगा तो फिर उसे निकाला जाएगा और उसे उपयोग में लाया जाएगा। ऐसा है बहराबंग पंचायत का लोगों का जीवन, जो शहर से एक बिल्कुल सटा हुआ है, 3 किलोमीटर की दूरी पर यह पंचायत है। ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि लोग आते हैं कि पानी की समस्याएं हम दूर कर देंगे, आप हमें वोट दें, लेकिन उसकी जब समस्या जो जस की तस बनी रह जाती है, ना समस्या दूर हो पा रही है, ना इसको दूर करने वाला कोई मसीहा मिल पा रहा है। लोग केवल आते हैं, नेतागण आते हैं केवल वोट लेने के लिए। आप लोग तब तक बने रहिए जोहार न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।